है वो भारतीय जनता पार्टी की वही विचारधारा कि सबसे पहले हमारा राष्ट्र, जहां एक और कांग्रेस के संकल्प पत्र के अंदर राष्ट्रवाद की जो खत्म देश को तोड़ने की बू आ रही है, सेनाओं को कमजोर करने की उसके अंदर कहीं ना कहीं रास्ता दिख रहा है, देश को कमजोर करने का रास्ता दिख रहा है। दूसरी तरफ भाजपा के संकल्प पत्र में राष्ट्रवाद की प्रतिबद्धता है, अवैध घुसपैठ को रोकने की सख्ती है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाने की तैयारी है और क्लियर कहा गया कि देश की सुरक्षा से किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया कहा करा जाएगा। और जिस तरह से देश के जो करोड़ों हिंदुओं की जो, क्योंकि कोई भी सरकार हो, कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी जात हो, हर कोई अपनी बात को रखता है, आज करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं के प्रतीक राम मंदिर को बनाने का बात भी आज इसके अंदर कही गई है। और जो किसानों को, जो जिस तरह से कांग्रेस ने, दूसरी पार्टियों ने किसानों के माध्यम से देश की जनता को छलने का काम किया, किसानों को लूटने का काम किया, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सम्मान पेंशन, मिनिम MSP, मिट्टी की उर्व, हमारी जो मिट्टी की सॉयल हेल्थ कार्ड के साथ आगे बढ़ते हुए संकल्प पत्र में 1,00,000 रुपये तक का जो ऋण है, अगर KYC है तो 0% इंटरेस्ट पर देने की बात कही है। और ग्रामीण विकास का भी, अगर इस देश के इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा बजट अगर किसी सरकार ने दिया तो वो मोदी सरकार ने देने का काम किया था। और इस संकल्प पत्र के अंदर भी साफ लिखा हुआ है कि ग्रामीण विकास के ऊपर 25,00,000 करोड़ रुपए अलग से अभी से बजट को आवंटन करने का काम किया है। और मैं समझती हूँ चाहे कोई भी हमारे संकल्प पत्र की कोई भी बात आप उठाकर देख लीजिए, उसके अंदर जो विजन है वो क्लियर है कि 2022 तक हमें एक नए भारत का निर्माण करना है और 2075 तक हम लोग अपने, जब हमारे देश को आजाद हुए 100 वर्ष हो जाएंगे तो हमारा देश पुनः विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। और इसके लिए मैं समझती हूँ कि हरियाणा के अंदर सोनीपत लोकसभा की सीट भी पहले भी हम लोगों ने जिताकर भेजी थी और इस बार भी हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ 10 की 10 जो सीटें हैं वो मोदी जी की झोली में डालेंगे। और जिस तरह से सोनीपत के अंदर भी लगातार, क्योंकि पहले हमारा एक ही विधायक था लोकसभा के अंदर और उसके बाद जींद हमने जीता है, और जिस तरह से आज सभी हमारे 9 के 9 हलकों के अंदर विकास के काम लगातार हुए हैं, चाहे वो केंद्र की तरफ से हो, प्रदेश की तरफ से हो, आज इस विकास के बूते पर और देश को एकजुट करने के बूते पर जनता हमारे साथ है और जनता पूर्ण बहुमत से हमारे सांसद को, रमेश कौशिक जी को जिताकर भेजेंगे। और सबका विजन एक ही रहेगा कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री। वो भारतीय जनता पार्टी की वही विचारधारा कि सबसे पहले हमारा राष्ट्र, जहां एक और कांग्रेस के संकल्प पत्र के अंदर राष्ट्रवाद की जो खत्म देश को तोड़ने की बू आ रही है, सेनाओं को कमजोर करने की उसके अंदर कहीं ना कहीं रास्ता दिख रहा है, देश को कमजोर करने का रास्ता दिख रहा है। दूसरी तरफ भाजपा के संकल्प पत्र में राष्ट्रवाद की प्रतिबद्धता है, अवैध घुसपैठ को रोकने की सख्ती है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाने की तैयारी है और क्लियर कहा गया कि देश की सुरक्षा से किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया कहा करा जाएगा। और जिस तरह से देश के जो करोड़ों हिंदुओं की जो, क्योंकि कोई भी सरकार हो, कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी जात हो, हर कोई अपनी बात को रखता है, आज करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं के प्रतीक राम मंदिर को बनाने का बात भी आज इसके अंदर कही गई है। और जो किसानों को, जो जिस तरह से कांग्रेस ने, दूसरी पार्टियों ने किसानों के माध्यम से देश की जनता को छलने का काम किया, किसानों को लूटने का काम किया, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सम्मान पेंशन, मिनिम MSP, मिट्टी की उर्व, हमारी जो मिट्टी की सॉयल हेल्थ कार्ड के साथ आगे बढ़ते हुए संकल्प पत्र में 1,00,000 रुपये तक का जो ऋण है, अगर KYC है तो 0% इंटरेस्ट पे देने की बात कही है। और ग्रामीण विकास का भी, अगर इस देश के इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा बजट अगर किसी सरकार ने दिया तो वो मोदी सरकार ने देने का काम किया था। और इस संकल्प पत्र के अंदर भी साफ लिखा हुआ है कि ग्रामीण विकास के ऊपर 25,00,000 करोड़ रुपए अलग से अभी से बजट को आवंटन करने का काम किया है। और मैं समझती हूँ चाहे कोई भी हमारे संकल्प पत्र की कोई भी बात आप उठाकर देख लीजिए, उसके अंदर जो विजन है वो क्लियर है कि 2022 तक हमें एक नए भारत का निर्माण करना है और 2075 तक हम लोग अपने, जब हमारे देश को आजाद हुए 100 वर्ष हो जाएंगे
तो हमारा देश पुनः विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। और इसके लिए मैं समझती हूँ कि हरियाणा के अंदर सोनीपत लोकसभा की सीट भी पहले भी हम लोगों ने जिताकर भेजी थी, और इस बार भी हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ 10 की 10 जो सीटें हैं वो मोदी जी की झोली में डालेंगे। और जिस तरह से सोनीपत के अंदर भी लगातार, क्योंकि पहले हमारा एक ही विधायक था लोकसभा के अंदर और उसके बाद जींद हमने जीता है, और जिस तरह से आज सभी हमारे 9 के 9 हलकों के अंदर विकास के काम लगातार हुए हैं, चाहे वो केंद्र की तरफ से हो, प्रदेश की तरफ से हो, आज इस विकास के बूते पर और देश को एकजुट करने के बूते पर जनता हमारे साथ है, और जनता पूर्ण बहुमत से हमारे सांसद को रमेश कौशिक जी को जिताकर भेजेंगे। और सबका विजन एक ही रहेगा कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे।